अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे मोशन। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक्स इंक्लूड हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोमेंटम लॉज ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मोशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए और उनका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? वो टर्म्स हैं रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फोर्स, न्यूटन। फर्स्ट डेफिनेशन है रेस्ट की। आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ़ अ बॉडी डजेंट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज़ सेट टू बी एट रेस्ट। यानी कि अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही इसके सराउंड से, इर्द गिर्द के लिहाज से, तो उसे हम कहेंगे कि वो चीज़ रेस्ट पे है। जिस तरह एग्जाम्पल दी हुई है, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टेबल। ये देखें, ये बुक टेबल पर पड़ी हुई है, टेबल इसकी सराउंडिंग है और बुक एक ऑब्जेक्ट है। ये देखें, टेबल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है ना। देखें, ये एक जगह पे पड़ी हुई है, ये कोई हिल जुल नहीं रही है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही टेबल के लिहाज से, तो इसे हम लोग कहेंगे ये रेस्ट पे। अगर ये मूव कर रही होती टेबल के ऊपर तो हम कहते हैं ये मूव मोशन में, ठीक है। लेकिन ये मूव नहीं कर रही, अपनी जगह नहीं चेंज कर रही टेबल पे, तो ये रेस्ट पे है। नेक्स्ट है आपके पास मोशन। इसकी आपकी स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज़ सेट टू बी इन मोशन। यानी कि कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह चेंज कर रही है, तब्दील कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इर्द गिर्द के लिहाज से, तो उसे हम कहेंगे वो मोशन में। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। ये देखें, बाईसाइकिल मैंने बनाई हुई है, एक बंदा बाईसाइकिल पे, ये बाईसाइकिल चला रहा है ये बंदा, और चलाते चलाते पोजीशन बी पे चला गया, पोजीशन ए पे था, पोजीशन बी पे चला गया। ये देखें, इसने अपनी जगह चेंज की है ना, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से बी पे चला गया, तो इसने अपनी जगह चेंज की है। और मैं देखने वाली हूँ इर्द गिर्द के लिहाज से, अगर यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, एक और बंदा बना ले, ये देख रहा है, उसने देखा कि पहले ये वाला जो बंदा है ये पॉइंट ए पे था, पोजीशन ए पे था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि यही बंदा पोजीशन बी पे चला गया। इसने क्या ऑब्जर्व किया? इसने ऑब्जर्व किया, ये इसकी सराउंडिंग थी, इसने ऑब्जर्व किया कि ये जो बंदा है साइकिल पे, इसने अपनी जगह चेंज की है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर आ गया है, तो जो साइकिल पे बंदा बैठा हुआ है और जो साइकिल है वो मोशन में है, क्योंकि उसने जगह चेंज की है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ है, चेंज की है, आगे कंटिन्यू मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस। आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी कि हम जो भी रास्ता कवर करते हैं, डिस्टेंस मतलब रास्ता, तो वो क्या है? एक्चुअल पाथ जो भी हो, भले यूं हो ये पॉइंट ए था, इससे मैं पॉइंट बी पे पहुंची हूँ, और ये देखें मैंने ये पाथ फॉलो किए, ठीक है, ये पाथ मैंने फॉलो किया, मैं देखें किधर घूम 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 के, कि ये एक्चुअल पाथ है पॉइंट ए से बी पे जाने का, तो ये क्या है? ये डिस्टेंस कहलाएगा। मैंने जितना रास्ता कवर किया है, जितने रास्ते पे मैं चली हूँ, वो सारा इसका डिस्टेंस है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देखें, पॉइंट लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं। ये देखें, यहाँ कोई डायरेक्शन है नहीं, है ना, ये कितनी टेढ़ी मेढ़ी सी है। इट्स यूनिट इज़ मीटर। इसकी जो यूनिट है, हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, हम इसे मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमने पढ़ा क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होती है, यानी कि जो रास्ता हम लोग कवर करते हैं दो पॉइंट के दरम्यान में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि दो पॉइंट्स, ये पॉइंट बना लेंगे पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये देखें, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है कोई, और मतलब देखें बीच में इस तरह की तरह कोई टर्न्स नहीं थे, कर्व्स नहीं थे, चेंजिंग पोजीशन नहीं थी, डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन है, ये देखें एरो की तरह सीधी लाइन है, एरो। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी भी यूनिट मीटर होती है, यानी कि इसे हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं। इसी पे आपको इस वाले पे बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट
ये देखें, ये तो डिस्टेंस था ना, ये एक्चुअल पाथ किस तरह घूम घूम कर है। लेकिन पॉइंट ए से बी के दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगी।